अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आपको आज बताना है क्या है। जैसे कि कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो है सर्दी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। यानी अगर आपके पेरेंट्स जो ये देखें, आप मेरे पास माशाल्लाह से ये जो पट्टे हैं ये सब रेड आइस के पट्टे हैं, सही है। इसमें से वो वाइल्ड नट जो है वो फैल हुआ है। तो इनमें से अगर आपको बताया जाए तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि बारिशों में आप अपने बगीचे को किस तरीके से बचाएं बारिश से, और ठंड लगने से भी कैसे बचाएं, और उनको क्या दें बारिशों में, उनको क्या सॉफ्ट फूड दें जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और जिससे आपके पेरेंट्स सेफ रहें और उनको कोई बीमारी या मोशन ना लगे, तो वो हर डिजीज से बच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपने अपना सेटअप जो है वो बाहर किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर से आसमान के नीचे जहाँ पर बारिश होती है और आपके सेटअप में पानी जा सकता है बारिश का, या फिर आपने सेटअप को ढका हुआ है लेकिन उस बारिश वहाँ पे हो रही है और बाहर हर जगह पे पानी जा रहा है, तो उसके लिए आपको जो है वो यही करना चाहिए कि जो सेटअप है उसको ढक लें और उसको चारों तरफ से ढक दें, सही है। उसको चारों तरफ से ढक दें और उसको ढक के उसके अंदर कोई 100 वाट का बल्ब जला दें ताकि उसके अंदर गर्मी रहे। अगर उसमें आपके पेरेंट्स को डायरेक्ट कोई हवा लगती है बारिश के ज़रिए, हवा ठंडी हवा हो जाती है जिससे अगर वो लग जाए आपके पेरेंट को डायरेक्ट, तो आपके पेरेंट को या तो फीवर या तो मोशन हो सकते हैं। तो इन दोनों बीमारियों होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बुखार या फिर जो मोशन होते हैं वो लग जाते हैं आपके पेरेंट को बहुत जल्दी, और जिससे आपका पेरेंट सुस्त हो जाता है और सुस्त होने के बाद वो मर भी सकता है। तो आप जो एक सीरप आता है फ्रेजिल का, आप वो उसको पानी में डाल दें। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो सीरप, ये पट्ठों के लिए ख़ास, और पट्ठों या बड़े के लिए आप ख़ास अभी सर्दियों के, जैसे बारिश हो रही है बहुत तेज़ कराची के अंदर और काफ़ी और भी जगह हो रही है, मुझे पता नहीं है सही से, तो वहाँ उनके लिए ऐसी एहतियातन तौर पे जैसे कि मैंने ये देख सकते हैं पानी में डाली हुई है, ताकि अगर ये इनको कुछ ऐसा हवा लग भी जाए तो ये दवाई पी के बिल्कुल सही हो जाए। तो आप भी ख्याल रखें अपने पेरेंट्स का, और इनको क्या क्या चीज़ें देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जो आ रहे हैं हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर नीचे एक लाल कलर का बटन होगा उस पर जाके क्लिक करें, और एक बेल का आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। और मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाजमी लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको ऐसी और भी वीडियोस देता रहूँ, और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने अभी सॉफ्ट फूड डाला हुआ है, सॉफ्ट फूड में मैंने अभी कॉर्न डाला हुआ है, कॉर्न यानी भुट्टा पट्ठों के लिए। अगर आपके पास पट्ठों को हमेशा अलग रखें, अलग रखने के बाद उनके लिए उनको एक कॉलोनी में पट्ठों को अलग कर दें और उनको सबसे ज़्यादा जो है भुट्टा दें, ताकि उनके साइज़ जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, ये सामने एक पट्ठा दिखाता हूँ, इसका साइज़ आप माशाल्लाह से देख रहे होंगे कैसा माशाल्लाह से ये देखें उठ रहा है नीचे। तो ये सब कॉर्न का कमाल है, यानी भुट्टा जितना ज़्यादा अपने पट्ठों को देंगे तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर भुट्टा नहीं देते हो तो आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर होने के बाद बड़े तो हो जाएंगे लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आगे जाके ब्रीड बहुत हल्की करेंगे। तो जब भी आपको, और अपने जो ब्रीडर्स पेयर हैं, ब्रीडर पेयर के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनको आप ज़्यादा ज़्यादा जो है अभी वीक में 2 दफ़ा पालक दें, जैसे जैसे बारिशें हो रही हैं तो ज़्यादा ज़्यादा उनको पालक दे दें। पालक जो होता है वो गर्म होता है, यानी वो गर्म होता है, तो अगर बालक या लूसन अगर आप दे दें उनको सॉफ्ट फूड के लिए तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, उससे आपके पैरेट को जो ठंड नहीं लगेगी और के पैरेट का जिस्म जो है वो गर्म रहेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ठंडी हवा उसको असर नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात, अपने जो अगर आपने केज सेटअप रखा है तो आपने देखा है मेरा तो शेड बना हुआ है, जैसे कि आपको अगर दिखा दूँ तो मेरा शेड है, तो इसलिए मैंने इसको इधर उधर से ढका हुआ है, तो उसके अंदर ठंडी हवा नहीं आती और मुझे खुद इस शेड में आके खुद पसीना आने लगता है। तो अभी देख सकते हैं मैंने अभी 100 ये सेवर लगाया हुआ है, लेकिन रात में जो है मैं इसमें 100 वाट का बल्ब जला देता हूँ ताकि रात में ठंड जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे कराची के अंदर, तो उससे मेरे पैरेट जो है वो सेव रहते हैं। तो 100 वाट का बल्ब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी मेडिसिन है, ये आप देख सकते हैं ये रखा हुआ मैंने 100 वाट का बल्ब ढक के, ताकि इसमें बारिश का पानी ना गिरे।
और इसको मैं रात में लगा देता हूँ ताकि ये जो पैरेट हैं वो महफूज रहें और इनको ठंड ना लगे। तो सबसे ज़्यादा आप अभी जो है गर्म चीज़ का इस्तेमाल रखें, लेकिन आप जितनी भी गर्म चीज़ें दें तो वो बीच में तकरीबन 2 दफ़ा ही दीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा। अगर ज़्यादा देंगे तो आपके पैरेट मोशन में आ जाएंगे, और मोशन से बचने के लिए आप फ्रेजाइल का ज़्यादा इस्तेमाल रखें। इतियादन तौर पे भी अगर आप डाल देंगे तो उससे आपके पैरेट जो है वो अच्छे रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिनके पास पैरेट है, तो ताकि उनका भी भला हो जाए। तो यही सब चीज़ आपको बतानी है कि बारिशें हो रही हैं तो अब सर्दियाँ भी लाजमी होना शुरू हो जाएंगी, तो सर्दियों से बचने के लिए आप ये थोड़ी एहतियात कर लें। और माशाल्लाह से मेरा ये जो पेयर था, ये आप देख सकते हैं ये वाला पेयर, तो इसके माशाल्लाह से अगर मैं आपको बच्चे दिखा दूँ तो 6 बच्चे इसके निकले, लेकिन मैं आपको अभी शो नहीं करा रहा, बच्चे बहुत छोटे। जो 2 बच्चे अभी नए निकले माशाल्लाह से, इसने 6 अंडे दिए थे और 6 के 6 बच्चे इसने निकाल दिए हैं, जिसमें से एक मेरे ख्याल से रेडाई से। तो जब मैं वो प्रोग्रेस की वीडियो बनाऊँगा तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर इसकी इनकी प्रोग्रेस शेयर करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोग्रेस इनकी देखनी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इनकी प्रोग्रेस पर वीडियो बना के फिर आपको दिखा दूँ। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को।